कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है सबसे उजला क्या। गोपाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु हाजिर जवाबी में उसका कोई सानी नहीं था। वो कठिन से कठिन प्रश्नों का हल चुटकियों में निकाल लिया करता था। राजा कृष्णचंद्र भी समय समय पर अपने दरबारियों की बुद्धि परीक्षा करते रहते थे। एक दिन उन्होंने दरबारियों के समक्ष ये प्रश्न रखा कि दुनिया में सबसे उजली कौन सी चीज होती है। एक दरबारी बोला, अन्नदाता, सबसे उजली चीज होती है रुई। दूसरे दरबारी ने कहा, सबसे उजला दूध होता है। तीसरे का उत्तर था, खड़िया और चूना सबसे उजले होते हैं। चौथे दरबारी ने कहा, चमेली का फूल सबसे उजला होता है अन्नदाता। राजा कृष्णचंद ने सभी दरबारियों के उत्तर गौर से सुने। अपने हिसाब से राजा ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। इस बीच गोपाल बड़े शांत भाव से बैठा सबकी बातें सुनता रहा। उसकी एक विशेषता ये भी थी कि राज दरबार में वो अधिक नहीं बोलता था, उससे पूछा जाता तभी वो बोलता था। राजा कृष्णचंद्र की निगाहें उसकी दिशा में घूमी। उन्होंने पूछा, गोपाल, सबने अपनी अपनी राय बताई, किंतु तुमने कुछ नहीं कहा। तुम भी तो बताओ कि हमारे प्रश्न के उत्तर में तुम्हारी क्या राय है। अन्नदाता, मेरे विचार में तो सबसे उजली वस्तु धूप होती है। गोपाल बोला, सिद्ध कर सकते हो? हां हां जरूर, जब भी आप कहें। ठीक है, करेंगे आजमाइश तुम्हारी बात की किसी दिन। इस घटना के 3 दिन बाद गोपाल महाराज के निजी कक्ष में गया। कक्ष में उसने एक बर्तन में दूध भरवाकर रख दिया, जहां राजा का पलंग था। उसे खिसकाकर एक ओर कर दिया और उस स्थान पर रुई बिछा दी। उसके समीप ही रख दिया चूना। फिर कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। समय दिन का था, परंतु दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने के कारण कक्ष में अंधेरा हो गया। सूर्यास्त से कुछ देर पहले महाराज कृष्णचंद अपने कक्ष में पहुंचे, दरवाजा खोला और अंदर पहुंचे। दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण अंधेरा तो था ही, उनका पैर टकराया दूध के बर्तन से। बर्तन उलट गया और दूध रुई पर जा गिरा। दूध में सने महाराज के पैर गीले हो गए। उसी समय गोपाल भी वहां पहुंच गया। उसने जल्दी से कमरे की खिड़कियां खोल डाली। सूर्य की रोशनी जैसे ही कमरे में आई, सारा कमरा आलोकित हो उठा। गोपाल ने कहा, अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए महाराज। यहां रुई भी मौजूद है, दूध भी है और चूना भी है। ये सारी चीजें सफेद हैं, किंतु फिर भी अंधेरे में दिखाई नहीं दी। जबकि सूर्य की एक छोटी सी किरण जैसे ही खिड़की के रास्ते अंदर आई कि सारा कमरा आलोकित हो उठा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि संसार में सबसे उजली वस्तु होती है धूप। हां भाई, मान गए, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही था। तुम इनाम पाने के अधिकारी बन गए। कल दरबार में पहुंचकर अपना इनाम ले लेना। अगले दिन महाराज ने जब भरे दरबार में गोपाल को इनाम दिया, तो सभी दरबारी गोपाल की बुद्धि का लोहा मान गए। सबने महसूस कर लिया कि गोपाल कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद
हम सबसे ज्यादा चतुर है। मनुष्यों के दुख का साथी कौन? एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि हाथों हाथ वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे फोर्स किया तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहे। प्रभु ने वरदान दे दिया और ये तो वाकई चमत्कार हो गया। वो चलना शुरू हुआ तो जमीन पर पांव के दो की जगह चार निशान बनने शुरू हो गए, यानी वाकई प्रभु उसके साथ हो लिए थे। वो तो मारे खुशी के झूम उठा, उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के सातवें आसमान पर जा बैठा वो। भगवान 2400 घंटे साथ है, और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शंकित भी था कि कहीं भगवान साथ छोड़ न दे, सो इस बात को लेकर वो चौकन्ना भी पूरा रहता था। बीच बीच में वो जंगल में मिट्टी या कीचड़ में चलकर देख भी लिया करता था कि वाकई प्रभु उसके साथ अब भी है कि नहीं। और जैसे ही कदमों के चार निशान पाता तो वो न सिर्फ अस्वस्थ हो जाता बल्कि हाथों हाथ उन्हें धन्यवाद भी दे देता। वैसे उसका हंसता खिलता परिवार था, आर्थिक रूप से भी वो खाते पीते काफी सुखी था। कहने का तात्पर्य, आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त मात्र था बल्कि जीवन भी उसका भरपूर और खुशहाल था। और सोने पे सुहागा ये कि अब उसका और भगवान का 2400 घंटे का साथ भी था। लेकिन कहते ना कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती। बस उसी तर्ज पर उसके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। अचानक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी ये हादसा नहीं सह पाई और पागल हो गई। निश्चिंत ही इन सब का उस पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर ध्यान न दे पाने की वजह से वहां भी नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट गहरा गया। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वो तो यहां तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। बस विचार करते ही वो तो सब छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के दो ही निशान थे। वो तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधे भगवान को कोसने, संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो आम संसारी से भी गए गुजरे निकले, तुम पूजा के लायक ही नहीं लेना संन्यास, इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूं। ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण पंजे के दो निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि ये भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूं, और ये दो पंजे के निशान देख रहे हो, वे मेरे ही हैं। तुम कुछ ऊट पटांग न कर बैठो या हताशा के गहरे भंवर में न चले जाओ, इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। साथियों, इस कहानी का सार बस इतना सा है, यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई संकट आता है तब वो संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वो जानती है कि मनुष्य का अहंकार ये सदमा झेल नहीं पाएगा। आपको भी इस बात के कई अनुभव होंगे ही। आपने भी अनेकों बार नोटिस किया ही होगा कि आपके या अन्य किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो सहना मुश्किल, परंतु फिर भी वास्तव में घटने पर सहने की क्षमता आ ही जाती है। वो क्षमता आती ही इसलिए है कि वो सदमा आपका आत्मा यानी आपका भगवान झेलता है, जो हर हाल में स्थिर रहने के स्वभाव वाला है। उसकी ये स्थिरता आपको पहुंची चोट को सॉफ्ट कर देती है और ये सॉफ्ट चोट आप सह जाते हैं। बताओ, भगवान इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकता है? सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां।
कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।